types of motion which we usually study. See, first type of motion is translational motion, जो आपने पढ़ा है, right? Translational motion. नहीं नहीं आगे पीछे नहीं होंगे, don't worry. I'll take care. See, first is translational motion. Second is circular motion. ये दोनों आपने पढ़े, right? Third type of motion is called rotational motion. जो भी हम पढ़ेंगे, rotational motion. And fourth is known as rolling motion. ठीक है, चार टाइप के मोशन होते हैं. These four types of motion. सर स्क्रीन क्या हुआ? तो स्क्रीन चली गई थी बीच में. अच्छा, स्क्रीन चली गई थी. तो ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन का मेन प्रॉपर्टी क्या है. देखो ट्रांसलेशनल मोशन में जो, अब देखो हम क्या जा रहे हैं इसमें, हम मोस्टली वी आर गोइंग टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पे वी आर गोइंग टू, पार्टिकल्स ऑफ मटीरियल, पार्टिकल्स. अब देखो ये क्या है, मेरा तो ऑब्जेक्ट है. It is made of small particles or not? एक एटम है, एटम से बना हुआ, right? Small small particles से. So देखो, we are going to particle structure. इसमें होता क्या है, देखो translation motion में क्या होता है, all objects, जब ये पूरा object move कर रहा है, when this big object is moving, when big object is moving, when big object is moving, all particles have same speed. अब देखो suppose मेरा जो बाहर का object है, it is moving with 10 meter per second. The अंदर के particles हैं, अंदर के particles हैं, उनका speed क्या होगा? What will be the speed of 10 meter? सब particles की speed क्या होगी? All particles will have same speed, right? 10. All particles will have so definition क्या होगी sir इसकी motion की? I'll explain. Just wait a minute. I just take care of that thing. हमें नेट इशू हो रहा है क्लाइमेट की वजह से. इससे मैं यस सर, अभी स्क्रीन जा रही है बार-बार. अभी ठीक है स्क्रीन? हाँ सर अभी आ रही है. तो वीडियो ऑफ ही क्या है. ओके, देखो ट्रांसलेशन मोशन कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन इज अ मोशन वेयर ऑल पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड. All particles have same speed. This is known as translational motion. ठीक है? देखो circular motion, rotational motion में क्या होता है? देखो circular motion में and rotational motion, if you see, circular motion, rotational motion, all particles don't have same speed. All particles don't have same speed. All particles don't have same speed. Same with rotation. All particles don't have same speed. I'll explain this. ठीक है, देखो पहले translation देखते हैं. Suppose एक car move कर रही है मेरी. दिख रही है आपको car move होते हुए? Yes sir. अब देखो हर particle की same speed होगी कि नहीं? All particle will move with same speed. This is known as what? My translational motion. So translational motion, it is a motion where
ऑल म्यूट कर लो, पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव सेम स्पीड, ठीक है। बट इफ यू केयरफुली सी नाउ, ये कौन सा मोशन है स्टूडेंट्स, दिस विच टाइप ऑफ मोशन, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ दिस मोशन, तो एक एग्जांपल ले, सपोज ये कार है, इज देयर एनी साइन ऑफ मोशन। देखो इसमें आप प्लस माइनस कोई मतलब अपने समझने की कोशिश करो, ये कार मेरी घूम रही है, सपोज ये सेंटर, कार का सेंटर है। अब देखो ये एक बाहर एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल वन पार्टिकल टू एंड दिस इज पार्टिकल थ्री। अब देखो इफ यू सी केयरफुली, इन तीनों पार्टिकल्स की क्या होगी, स्पीड डिफरेंट होगी। ऑल थ्री पार्टिकल्स विल हैव डिफरेंट स्पीड, ऑल पार्टिकल्स विल हैव डिफरेंट स्पीड, ऑल पार्टिकल्स, यस, आपको याद है जब मैंने सर्कुलर मोशन किया था, जब मैंने पढ़ाया था हर पार्टिकल की स्पीड अलग होती है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? गौरव, भक्ति भूल गए सब, आदेश, प्रत्युष, कुछ तो बोले, 1-0 सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? याद है ना आपको? चलो ठीक है, आपको याद है। तो हर पार्टिकल का क्या होता है, एवरी पार्टिकल इज हैविंग डिफरेंट स्पीड। रोटेशनल मोशन में भी यही होता है। देखो अभी फैन है, फैन के देखो हर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। सपोज मैं एक फैन लेता हूं, ये फैन है सपोज मेरा, ये लगा हुआ है ऊपर से, रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग। इफ यू सी All particles will have different speed. ये rotational चल रहा है, I think rotational is chapter number 6, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 have different speed. अब मैं आपसे question पूछता हूँ students, what is difference between rotational motion and circular motion? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? ये देखो रोटेशनल मोशन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर। आप में से कोई डिफरेंस पता कर पा रहा है? देखो ये सर्कुलर मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है। सर इसमें सेंट्रीफ्यूगल नहीं लग रहा? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ना, अगर फैन के ऊपर कोई कचड़ा है, फैन के ऊपर कोई कचड़ा है तो उड़ के बाहर नहीं जाएगा। आपने कोई रखा है फैन के ऊपर कुछ पानी है, कचड़ा उड़ता है जब फैन घूमता है? यस, कुछ जयदीप ने थोड़ा अच्छा आंसर दिया है। ओके, देखो ध्यान से देखो, रोटेशनल का जो सेंटर है, जो रोटेशनल का सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं? देखो ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट? कैन यू सी? ऑब्जेक्ट के अंदर है। आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स। अब देखो जायंट व्हील, मेरी गो राउंड, देखो मेरी गो राउंड जब घूमता है,
ऐसे करके मेरे को अराउंड मैंने रोटेट्स, तो देखो सेंटर टेबल टॉप होता है सर, वॉइस क्या सर, वो इसका डिले है बीच में। अभी भी आवाज कट रही है मेरी? नो सर, ऐसे मैं जूम वो हो रहा है, व्हाट वी कॉल जूम इज गेटिंग। अभी ठीक है सर, स्क्रीन शेयर। हां स्क्रीन शेयर अभी ठीक है। मुझे लगता है क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। चलो ठीक है, देखो आपको कहां कहां तक आपने सुना, आपने कहां कहां तक सुना? आपने जाइंट व्हील और मेरी गो राउंड सुना, टेबल टॉप सुना है, लट्टू होता है जो, कुछ ऐसा रहता है राइट, इस तरीके से और यहाँ पे रोटेट करते हैं। अब देखो इसका भी जो सेंटर है वो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के अंदर है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? जाइंट व्हील, जाइंट व्हील भी देखो कैसे रहता है, ऐसा रहता है, साइक फिक्स पॉइंट से ऐसे लगा रहता है राइट, और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। अब देखो इसका भी सेंटर क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो देखो रोटेशन मोशन में क्या होता है, इसको हम एक्चुअली सेंटर नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट, ये मेरा जो मेरी गो राउंड है, जो मेरा मेरी गो राउंड है उसका भी क्या होगा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मेरी गो राउंड ऑल्सो इज हैविंग अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे फैन है, फैन क्या है मेरा, ये फैन का ये क्या है मेरा, ये लाइन, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड द बॉडी। वैसे तो ये टेबल टॉप है, ये क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या होगी उसकी, दिस लाइन विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मैं आऊंगा, आई विल कम टू सर्कुलर। अब देखो सर्कुलर मोशन, देखो बस इतना याद रखो, रोटेशनल मोशन में तो सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, this is also known as axis of rotation. Rotational motion में क्या होता है, rotational motion में axis of rotation क्या है, axis of rotation object के कहाँ है, object के अंदर है। So मैं definition बताता हूँ rotational की, फिर circular पे आऊंगा, आप समझ जाओगे। देखो it is a motion in which each पार्टिकल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हैविंग डिफरेंट स्पीड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो सेंटर है, लेकिन इसमें सेंटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड बॉडी, इज इनसाइड बॉडी। लेकिन देखो तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अब सर्कुलर मोशन पे आते हैं। देखो जो सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के बाहर है, देखो ऑब्जेक्ट के बाहर है सेंटर, देखो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के बाहर है सेंटर। आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन राइट। बिकॉज क्या है, सेंटर क्या है, अर्थ के बाहर है, सो ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर और फिक्स्ड एक्सिस, बट एक्सिस इज आउटसाइड बॉडी, एक्सिस इज आउटसाइड बॉडी।
एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो ये अर्थ है और ये मून है। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ बट द सेंटर या एक्सिस है वो मून के बाहर है, इट इज आउटसाइड मून। कितनों को आया समझ में डिफरेंस? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये शिव मेरो क्या क्यों बनाया आपने, क्या डाउट है पूछो। सर इसका एग्जांपल दोबारा बताना, मतलब इस वाला आखिरी वाला एग्जांपल। देखो अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, लेकिन मून किसके अराउंड घूम रहा है? अर्थ के अराउंड, मतलब जो सेंटर है मून का यहाँ पे है कि नहीं, मतलब अर्थ मून के बाहर है ना। सी द एक्सिस इज आउटसाइड मून। अब देखो इधर के एग्जांपल देखो, इसमें तो सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, सेंटर ऑब्जेक्ट के अंदर है, रोटेशनल में, रोटेशनल में सेंटर ऑब्जेक्ट के अंदर है, इन सर्कुलर सेंटर ऑब्जेक्ट के बाहर है। नहीं आया समझ में? सर वो बिंडल में है ना, वो तो बाहर कैसे, मतलब अरे मून के बाहर में होगा ना, मून घूम रहा है, मून घूम रहा है, मून के बाहर है। ये कार घूम रही है, कार के बाहर है सेंटर। ओके सर। अब इधर देखो फैन घूम रहा है, लेकिन सेंटर फैन के अंदर या बाहर है? अंदर है। लट्टू घूम रहा है, ये टेबल टॉप, टेबल टॉप अंदर या बाहर है? अंदर। यस जयदीप इज करेक्टली टेलिंग। सी अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो अर्थ का रोटेशन होता है ऑन एक्सिस, वेरी नाइस जयदीप इज गिविंग वेरी नाइस एग्जांपल। देखो नाउ व्हाट जयदीप इज टेलिंग, सी अर्थ है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अराउंड सन इज अ सर्कुलर मोशन। बट रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड एक्सिस, रोटेशन of earth at its axis is a rotational motion. Why this is a rotational motion? Because the earth ka axis of rotation hai. Dekho earth ka axis of rotation hai. See this is axis of rotation. Wo kya earth ke andar hai, right? Earth ke andar hai. Axis of rotation earth ke andar hai. That's why it is known as rotational motion. अब देखो revolution क्या है, ये sun है और ये earth है। Earth का जो axis है earth के बाहर है। See axis of rotation is outside. Axis of rotation is अब आया समझ में? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट? यस सर। चलो वेरी गुड जयदीप। तो चलो अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन बता रहा हूं, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पार्टिकल of an of a moving object has different speed and axis of rotation is outside object. Aaya samajh mein? ठीक है। अब एक और मोशन है, फोर्थ टाइप ऑफ मोशन, दैट इज नोन एज रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन क्या है? देखो रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा मोशन है जिसमें ट्रांसलेशनल भी हो रहा है रोटेशनल भी हो रहा है? देखो आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। अब देखो एक पहाड़ है, उससे स्टोन रोल होके गिर रहा है, स्टोन इज रोलिंग,
अब बताइए कौन सा मोशन है, इज इट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल? देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का ये बोध है। देखो ट्रांसलेशनल क्यों है, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। बट इज रोटेशनल ऑल्सो क्योंकि एक सेंटर के अराउंड मूव हो रहा है। सो रोलिंग मोशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों होता है। ये पहला एग्जाम्पल। देखो एक और मोशन है, अब देखो व्हील ऑफ अ कार, व्हील ऑफ अ मूविंग कार। देखो मूविंग कार का व्हील अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इट इज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अनग आ रहा है आपको? गौरव, मंजू, अभिषेक, सो ये क्या मेरा बोथ है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बोथ, ठीक है? सो दिस इज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, बताइए कौन सा मोशन होगा। अब देखो मैंने थोड़ा स्टडी किया रोटेशनल मोशन का, दिस रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज नोन एज, ये एक्सिस है, ये क्या एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सारे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं। अब देखो ये पार्टिकल P1 है, ये पार्टिकल है P2 है, ये पार्टिकल P3 है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, पार्टिकल P1 P2 दोनों क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, किसके अराउंड, सेंटर के अराउंड, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, दिस होल इज अ रोटेशनल मोशन, दिस होल इज अ रोटेशनल मोशन एंड एवरी पार्टिकल इज हैविंग अ सेंटर ऑन द एक्सिस। Every particle is having a center on X. Sir. देखो P2 particle center C2 है, P1 particle का center C1 है, P3 particle का center कहां पे होगा, उधर ही होगा, उसी पे ही। लेकिन सब पार्टिकल्स का सेंटर, सपोज मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ P5 या P4, P4 का सेंटर क्या होगा, एक्सिस पे होगा और वो ऐसे रोटेट करेगा। तो हर पार्टिकल का सेंटर कहाँ पे होता है, एक्सिस पे होता है। अब देखो जितना पार्टिकल सेंटर से दूर जाएगा उतना उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। देखो स्पीड ऑफ V2, P2 विल बी मोर देन स्पीड ऑफ P1 विच इज मोर देन स्पीड ऑफ P4 which is more than speed of P3. लेकिन remember, P3 का speed zero होगा, क्यों, क्योंकि वो axis पे ही है। अब देखो तो fan जब घूमता है, तो center point की speed क्या होगी, जो axis के साथ आ रहा है। अब देखो suppose मेरा fan है, suppose this my fan, इस center point की speed क्या होती है, center point की speed क्या होती है, zero। इस center point की speed क्या होती है, zero, क्यों, क्योंकि वो axis पे। देखो जो ऑब्जेक्ट एक्सिस पे होता है उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो। दिस इज विल बी हैविंग जीरो स्पीड बिकॉज इट इज ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे क्या होती है, बिकॉज ये पॉइंट जो मेरा पी थ्री पी फोर पी थ्री है, दिस इज ऑन एक्सिस, इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, सपोज ये पॉइंट एक पी वन है, ये पॉइंट पी टू है, तो स्पीड ऑफ पी वन विल बी मोर देन स्पीड ऑफ पी टू। और इन दोनों का सेंटर कहाँ होगा, अब देखो P1 का सेंटर कहाँ होगा, सपोज फैन है, P1 P2 दोनों का सेंटर कहाँ होगा, दोनों का सेंटर यहाँ होगा इधर, क्योंकि एक ही लाइन में है। लेकिन अब मैं बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये एग्जांपल बन, सपोज मैं लट्टू लेता हूँ, लट्टू टेबल टॉप, अब देखो ये इसका एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब देखो ये पॉइंट सपोज मेरा है P1, ये पॉइंट है मेरा P2। अब देखो P1 का सेंटर क्या होगा, ये होगा C1, P2 का सेंटर क्या होगा, C2। ये रेडियस R1 होगा, ये रेडियस R2 होगा। यहां तक कितनों का है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड थिंग्स देयर, यहां तक क्लियर है?
अब देखो R1 R2 कैसे मैं फाइंड करूंगा, व्हाट विल बी द रेडियस और डायरेक्शन ऑफ रेडियस. सी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. रेडियस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, मेरे एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. तो रेडियस मेरा हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. This also point to take care. तो हमें आपको rotational की starting भी समझा रहा हूँ. This is how we start with rotational. ठीक है, मैं आपको कुछ examples देता हूँ. अब ये किसका, ये कौन सा motion है? This is which type of motion? This is a example of rotational और translational और rolling. कौन सा ये? ये कौन सा example है? Rolling motion. Rolling. क्यों? रोटेटरी हो रहा है, इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है. देखो ये एक्सिस है मेरा येलो कलर का, इस एक्सिस पे ये तीनों रेड रोटेट हो रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा एक स्ट्रेट पाथ में भी चल रहा है. इसे मूविंग हो ना, स्ट्रेट पाथ है इस पे. सो रोलिंग और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस है? रोलिंग वर्सेस रोटेशनल. देखो रोटेशन में क्या होता है, मेरा एक्सिस फिक्स है, एक्सिस इज फिक्स, मतलब एक्सिस कैन नॉट मूव, मेरा एक्सिस मूव नहीं कर सकता, एक्सिस कांट मूव. बट रोलिंग में क्या होता है, एक्सिस आल्सो मूव्स, एक्सिस मूव्स. आप इसमें देखोगे तो येलो एक्सिस वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. तो येलो एक्सिस इज मूविंग, येलो एक्सिस इज मूविंग. तो जब एक्सिस मूव करता है, जब मेरा एक्सिस मूव करता है, तो मैं मोशन को क्या बोलते थे, रोलिंग मोशन बोलते हैं. तो हमेशा याद रखना, रोटेशनल में जैसे फैन है, फैन का एक्सिस क्या फिक्स है, दीवार से जुड़ गया है, दीवार से जुड़ गया है, इसलिए वो क्या है मेरा रोटेशनल है, रोलिंग नहीं है. वैसे जॉइंट व्हील है, जॉइंट व्हील में भी क्या हो रहा है, मेरा एक एक्सिस है तो जुड़ गया है, उसको जोड़ के रखते हैं, राइट. अब कार का टायर है, वो रोलिंग है, टायर ऑफ अ कार. क्यों? क्योंकि जो उसका एक्सिस है, एक्सिस मूव कर रहा है, उसका एक्सिस है मूव कर रहा है. दोनों टायर का एक्सिस होता है, जैसे टायर है, राइट, ये टायर्स है ऐसे कनेक्टेड, दीज आर टायर्स. क्या हो रहा है, टायर्स मेरे मूव हो रहे हैं, टायर्स मेरे मूव हो रहे हैं. एक्सिस ये रेड ब्लैक वन एक्सिस है, दिस एक्सिस इज मूविंग, एक्सिस मूव्स. तो एक्सिस मूव करता है, इसलिए क्या हो गया मेरा, रोलिंग हो गया. सर बोलो. सर अ टाइड स्टोन फ्रॉम अ थ्रेड is a example of rotational motion. Circular, circular. Circular. Okay sir. देखो रस्सी को हम consider नहीं करते हैं. देखो my stone tied to thread. It is a circular motion. देखो stone move कर रहा है circular object. सेंटर स्टोन का कहां है, बाहर है. सेंटर स्टोन का कहां है, बाहर है, राइट. ये सर्कुलर मोशन. ओके स्टूडेंट, नाउ ये दो एनसीईआरटी के फिगर्स हैं, दिस फिगर वन, दिस फिगर टू. आप बताओ फिगर वन इज विच टाइप ऑफ मोशन, दिस विच टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रोलिंग. ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, सो फर्स्ट सर्कुलर, सर्कुलर, नेक्स्ट वाला रोटेशनल, मींस रोटेशनल कौन सा है, ये रोलिंग, रोलिंग, रोलिंग सर. रोलिंग मतलब क्या, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल बोलते हैं. लेकिन आपने फिर इसको सर्कुलर बोल दिया, आपने तो इसको सर्कुलर बोल दिया, यहाँ पे आपने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल बोल दिया. ध्यान से देखो, देखो जब हम ऑलवेज रिमेंबर दिस इज विच टाइप ऑफ मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. प्रोजेक्टाइल ये, दिस इज प्रोजेक्टाइल, राइट, प्रोजेक्टाइल. Projectile
also comes in example of translation. ये एक चीज याद रखना, remember this. देखो ये circular motion नहीं है, this is not a circular motion. Circular motion मतलब object गोल गोल घूमना चाहिए. अगर object ऐसे घूम गया फिर ऐसे ऐसे नागिन जैसे move कर रहा है तो we don't consider this as a circular motion. Circular मतलब क्या, radius fix हो कैसे rotate हो घूमता है. So always remember projectile motion also comes in an example of translation. It is also example of translational. अब देखो सो ये translational भी हो रहा है ऐसे और ये अपने axis पे घूम भी रहा है देखो. तो ये क्या हो गया मेरा, रोटेशनल हो गया प्लस ट्रांसलेशनल इक्वल टू रोलिंग. तो रिमेंबर प्रोजेक्टाइल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रांसलेशनल बट इट्स नेचर इज लाइक ट्रांसलेशनल. इट्स नेचर इज लाइक ट्रांसलेशनल, नेचर इज लाइक ट्रांसलेशनल. For example, I'll tell you reason. देखो ये एक गोला है, इसको मैंने फेंका ऐसा. अब बताओ हर इसकी trajectory, suppose इसकी trajectory कुछ है cover की इसने 50, 500 meters. अब बताओ हर object 500 meter cover करेगा कि नहीं approximately? How many of you agree? Every object will cover 500 meters. हर ऑब्जेक्ट एप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा. ट्रांसलेशनल मोशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल ऑब्जेक्ट्स कवर्स इक्वल मूव्स विद इक्वल वेलोसिटी. मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा. जब इक्वल वेलोसिटी रहेगा तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा. सो हर ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, हर ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री 500 मीटर्स रहेगी. इसलिए प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड हर पार्टिकल की, हर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी 500 मीटर्स, approximately 500 meters होगी. हर पार्टिकल की trajectory कितनी होगी, 500 meters. ठीक है, देखो जो ये extreme right का particle है वो यहाँ पे extreme right में चला गया, जो extreme left का particle है यहाँ पे extreme left में आ गया. Approximately तो particle one है, approximately तो particle one है, उन दोनों ने equal 500 distance travel किया है. Particle two है, उनने भी approximately तो displacement 500 cover किया. अब सपोज मैं सेंटर पे पार्टिकल P3 लेता हूँ, सपोज आई टेक दिस एज पार्टिकल P3. अब देखो द P3 इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, एप्रोक्सीमेटली P3 ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 500. इवन P3 हैज कवर्ड 500 मीटर्स, दैट मींस एवरी पार्टिकल इज कवरिंग सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस मतलब सेम स्पीड, सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस, सेम स्पीड, मतलब काइंड ऑफ नेचर इज लाइक ट्रांसलेशनल. अब देखो ये ट्रांसलेशनल नेचर से प्रोजेक्टाइल चल रहा है सेकंड केस में, बट घूम भी रहा है. ऑब्जेक्ट क्या है, घूम भी रहा है अपने पाथ में. तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल बिकम्स रोलिंग. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. ये एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज गिवन इन हर बुक में ऐसे. तो ठीक है, ओके स्टूडेंट, कैन यू प्लीज, दिस इज विच टाइप ऑफ मोशन, this is which type of motion. This translation. Very good. Go. ये straight चल रहा है, slide हो रहा है. हर particle की क्या है, same speed है. हर particle की क्या है, same speed है. Same speed. Same speed. नीचे वाला मोशन क्या होगा, व्हाट विल बी दिस मोशन, रोलिंग. क्यों, ऑब्जेक्ट रोटेशनल में भी है, इट इज रोटेशनल आल्सो, दिस रोटेशनल आल्सो प्लस, रोटेशनल आल्सो प्लस ट्रांसलेशनल आल्सो, सो कंबाइनली इट बिकम्स व्हाट, रोलिंग. कंबाइनली इट बिकम्स रोलिंग. वेरी गुड, बताओ ये क्या है, दिस इज विच टाइप ऑफ मोशन, क्या है ये, व्हाट इज दिस, रोलिंग. ध्यान से देखो, रोटेशनल. एक्सिस इज फिक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन इज फिक्स्ड. अब देखो ये पत्थर में क्या हो रहा था, तो एक्सिस है ये P1 पे एक्सिस है, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूविंग.
म्यूट 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 सो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो क्या हो जाएगा ये दिस बिकम्स अ रोटेशनल ठीक है ये पॉटर बनाते हैं इसको बोलते क्या है आपको नाम पता मुझे याद नहीं है इसको बोलते क्या है व्हाट डू वी कॉल इट पॉटर का कुछ होता है ना किसी को नहीं पता चलो ठीक है बताना मुझे अर्दन पॉट तो ये है This is known as earthen pot. This device को क्या बोलते हैं? ये जो rotate होता है। देखो अभी पूछा give two examples of rotational motion. पता चल चला ये दिमाग में आ रहा है लेकिन इसको हम explain नहीं कर पा रहे हैं, है ना? एक बार क्या हुआ था? एक Chinese आदमी India आया, Chinese आदमी। He tasted gulab jamun. आपको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes sir. ठीक है, very good अनुभव। तो वो इंडिया आया, उसने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन। और जैसे उसने गुलाब जामुन खाया, उसको बहुत अच्छा लगा, liked it a lot। लेकिन उसने टेस्ट किया, लेकिन उसको नाम नहीं याद आ रहा था। अब वो एक होटल गया फिर, और they asked क्या चाहिए आपको? What do you want? वो बोल रहा है something red red, something spongy, something viscous, something he was trying to explain but वो दुकान वाले को समझ नहीं आ रहा तो वो बेचारा जो वो था गुलाब जामुन वो चाइनीज आदमी he would not explain that कि है क्या similarly कई बार एग्जाम में होता है कई बार एग्जाम में हमें पता रहता है ये है क्या लेकिन हमें टेक्निकल टर्म याद नहीं आता we don't remember the technical name फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चार पन्ने लिख देते या तो एक वर्ड या चार पन्ने इसलिए फिजिक्स में टेक्निकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इलेवेंथ में तो है ही ट्वेल्थ में तो आपको बिल्कुल एक एक वर्ड जो है वो याद रखना इसको क्या बोलते हैं नहीं तो आप टेक्निकल टर्म याद नहीं रहेंगे तो क्या होगा आप अपने जज्बात एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे यू विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर जज्बात ओके ना ओके ये क्या है व्हाट इज दिस रोटेशनल प्लीज रोटेशनल इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन अब देखो जब मैं एक पार्टिकल लूंगा इसमें पार्टिकल तो इसका सेंटर कैसे होगा परपेंडिकुलर रेडियस कैसे होगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस मैंने आपको बताया था तो ये इसका पार्टिकल P1 है तो सेंटर ये होगा और जो रेडियस है परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कुलर कैसे होगा एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर से जा रहा है ना एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर से जा रहा है अब देखो ये ऑब्जेक्ट मेरा P2 है इसका सेंटर क्या होगा C2 ये x ये होगा इसका रेडियस कितनों को समझ में आ रहा है दिस इज अ रोटेशनल मोशन यस सर लट्टू कैसे मूव होता है ऐसे मूव होता है On its axis. फिर थोड़ी देर बाद कैसे आता है वो थोड़ी देर बाद वो यहाँ से ऐसे मूव होगा तो थोड़ी देर बाद कैसे मूव होगा थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा सी ऐसे ऐसे मूव करेगा लेकिन देखो तो एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है पहले एक्सिस ये था फिर एक्सिस ये था फिर एक्सिस ये था माय एक्सिस इज चेंजिंग एक्सिस इज मूविंग बट दिस इज अ रोटेशनल इसको आप रोलिंग नहीं बोल सकते यू डोंट कॉल इट रोलिंग रोलिंग थोड़ा अलग है रोलिंग क्या है स्ट्रेट मूव करता है रोल होके ऑब्जेक्ट क्या है ड्रम है मेरा ड्रम माय ड्रम इज देयर
वो क्या होगा, वो ऐसे रोल करेगा, इट विल रोल. सो दिस इज माय रोलिंग मोशन. पूरा एक्सिस मूव कर जा रहा है, एक्सिस पूरा मूव कर जा रहा है. इसमें एक्सिस बस थोड़ा स्विंग हो रहा है, एक्सिस थोड़ा स्विंग हो रहा है, बट इज इट रोटेशन. अब देखो इसका एक और एग्जांपल, ऐसे टाइप का एक और एग्जांपल है, पता है आपको? आपने टेबल फैन देखा? टेबल फैन कितनों ने देखा? टेबल फैन, यस सर. अब देखो टेबल फैन कैसा रहता है, पहले यहाँ पे रहेगा ऐसा, तो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, तो थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. अब देखो एक्सिस इज चेंजिंग, एक्सिस इज मूविंग. But this is which motion? This is also rotation. देखो कई जगह एक्सिस फिक्स होता है रोटेशनल में. फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें एक्सिस पूरा फिक्स है, एक्सिस कभी मूव नहीं करेगा. आपका जो फैन है, फैन फैन में भी एक्सिस पूरा फिक्स है, कभी मूव नहीं करेगा. लेकिन कई बार एक्सिस थोड़ा हिलता है, एक्सिस कई बार थोड़ा हिल जाता है. जैसे ये मेरा टेबल टॉप हो गया, ये मेरा टेबल फैन हो गया. यस, टेबल फैन. अब देखो टेबल फैन में एक्सिस क्या है, ये पहले ये एक्सिस था रोटेशन का. फिर थोड़ी देर बाद जब टेबल फैन मूव करेगा तो एक्सिस ये हो जाएगा. फिर थोड़ी देर बाद टेबल फैन इधर आएगा तो टेबल फैन ऐसे मूव करता है, नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर. सो देखो पूरे टाइम मेरा एक्सिस क्या हो रहा है, पूरे टाइम मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा है लेकिन एक पॉइंट से फिक्स है. इट इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट, इट इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट. एंड स्लाइटली गोइंग मूविंग इन अदर पॉइंट, अदर पॉइंट इज मूविंग. सिमिलरली टेबल फैन का एक्सिस है, इट इज फिक्स एट वन पॉइंट, इट इज फिक्स एट वन पॉइंट, अदर पॉइंट इज मूविंग, अदर पॉइंट इज मूविंग. कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन जो ये रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन में पूरा एक्सिस, रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन में पूरा एक्सिस मूव करता है, होल एक्सिस मूव. रोलिंग में होल एक्सिस मूव्स. तो रोटेशन में क्या है, एक्सिस मेरा या तो पूरा ही फिक्स होगा या एक पॉइंट से फिक्स होगा. रोटेशन में एक्सिस एक पॉइंट से भी फिक्स हो सकता है, दोनों पॉइंट से भी फिक्स हो सकता है. लेकिन रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में होल एक्सिस मूव्स. ठीक है, कितनों का यहां तक क्लियर है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली वीडियो स्टोरी? मैं सोचना हूं कुछ, अगर दिमाग में बोलता हूं. अरे समझ में, देखो आई एम जस्ट बिगनिंग रोटेशनल मोशन, आई एम बिगनिंग रोटेशनल मोशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसलेशनल नहीं होगा. देखो ट्रांसलेशनल में क्या होता है, ट्रांसलेशन में पूरा एक्सिस मूव होना चाहिए, और वो ट्रांसलेशनल नहीं, वो रोलिंग होता है. इसमें एक एक्सिस फिक्स है, एक एक्सिस फिक्स है, एक पॉइंट ऑफ एक्सिस. देखो अब देखो रोटेशन में आपको मैं अच्छा क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से क्लियर है? आई क्लियर इट प्रॉपरली, कंफ्यूज मत होना आप. देखो रोटेशन में क्या हो सकता है, पता नहीं पेन को क्या हो गया है, वो थोड़ा मस्ती कर रहे हैं. देखो रोटेशन में या तो एक्सिस पूरा फिक्स होगा, एक्सिस इज कंप्लीटली फिक्स, लाइक नॉर्मल फैन, एक्सिस इज कंप्लीटली फिक्स. ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा ना, आज थोड़ा जूम में प्रॉब्लम हो रहा है. और एक्सिस कैन बी फिक्स एट वन पॉइंट, एक्सिस कैन बी, ये मेरा क्या टेबल टॉप, या टेबल टॉप हो गया, टेबल टॉप या टेबल फैन. टेबल फैन इसमें एक्सिस इज मूविंग, इस इन दोनों में क्या हो रहा है, एक्सिस मूव हो रहा है,
एक्सिस इज मूविंग बट फिक्स्ड एट वन पॉइंट. लेकिन रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग मोशन में पूरा का पूरा एक्सिस मूव करता है. देखो यहां पे था ऑब्जेक्ट रोल हुआ, सिलेंडर रोल होके नीचे आ रहा है. व्हाट विल हैपन, देखो पूरा एक्सिस मूव कर रहा है होल. ये यहां पे पहले एक्सिस था, दिस वाज द एक्सिस. देखो होल एक्सिस इज मूविंग. ठीक है हर्षल, आया समझ में? जयदीप आया? पूरा एक्सिस ही मूव कर जा रहा है. रोटेशनल में यस, अगर एक्सिस पूरा मूव हुआ, पाथ नहीं, एक्सिस मूव हो रहा है, होल एक्सिस इज मूविंग. इसमें एक्सिस का क्या है, एक्सिस इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट, मूव कर रहा है लेकिन फिक्स है वन पॉइंट पे. इसमें तो पूरा ही फिक्स है, इसमें तो पूरा एक्सिस फिक्स है. सर स्क्रीन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? ओके नाउ हु इज, अच्छा महक ही होस्ट है. महक कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली हुआ क्या, मेरा लैपटॉप का बैटरी कम खत्म हो गया था. Okay, student, please send me your attendance. Please send me your attendance. तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस 10-15 मिनट्स में आपको वीडियो में थोड़ा क्लास के एंड में दिखाऊंगा, चलेगा ना? अगर पाथ चेंज हुआ तो ट्रांसलेशन होगा. यस, देखो पाथ चेंज नहीं बोलते, एक्सिस मूव. देखो पाथ चेंज, आप कंफ्यूज मत हो. देखो पाथ चेंज तो ऐसे भी होता है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने स्लाइड किया तो ये ट्रांसलेशनल है. लेकिन मैंने स्टोन को रोल किया, देखो नाम से पता चल रहा है रोलिंग है ये, तो आप पाथ चेंज से मत रखो. जस्ट रिमेंबर दैट एक्सिस चेंज, एक्सिस मूव हो रहा है, होल एक्सिस इज मूविंग. ठीक है ना? आया जैनी समझ में? मेरी आवाज आ रही है ना सर? जो ऑब्जेक्ट स्लाइड हुआ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब
सर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे। अच्छा स्लाइड हुआ तो ट्रांसलेशन हो, यस ट्रांसलेशन स्टेट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, मैंने सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टी बढ़ाई थी, मैं आपको अभी आप 15 मिनट बाद वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है अभी नहीं, अभी क्लास पढ़ लो आप, देखो चलो ठीक है कितनों के याद है देखते हैं। देखो डायरेक्शन मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मतलब ट्रांसलेशन मतलब क्या, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव ऑल पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड। देखो सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड बॉडी, हमने पढ़ा था, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोज टू हैवी ऑब्जेक्ट, फॉर टू ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास इज ऑन लाइन जॉइनिंग टू मासेस। सर लास्ट पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना एक बार, ये वाला सिक्स्थ वाला, देखो ये दो मासेस है m1 m2, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन दोनों को जॉइन करो मास को स्केल से, दो पॉइंट को जॉइन करके लाइन बनती है, तो ये मास m1 m2 को जॉइन करके लाइन बनाई, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के बाहर नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी समवेयर आउटसाइड है। आया समझ में? सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी लाइन जॉइनिंग होते हैं। आ रहे शिवम, आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रहा है सर, कुछ बोलो तो फिर। सर वो मैं बोल रहा था मेरी आवाज नहीं पहुंची होगी, वो मैं कनेक्शन वीक हो रखा है, एक्चुअली मेरा खुद का वीक है तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। चलो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन सेंटर ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन सेंटर ऑफ मास, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस होते क्या है पहले हम पढ़ते हैं। देखो जो सिस्टम है, पहले सिस्टम पढ़ते हैं। देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आर दोस पार्टिकल्स, हु डिसाइड्स सेंटर ऑफ मास। एग्जाम्पल सपोज ये मैंने दो पार्टिकल लिए, तो ये दो पार्टिकल का मैं अगर इन दोनों का जब मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं, तो ये दोनों पार्टिकल मेरा सिस्टम बन जाएंगे। सी थर्ड पार्टिकल अगर मैं उसको सेंटर ऑफ मास में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम। अगर मैं इन दोनों m1 m2 का ही मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं, तो m1 m2 विल बिकम अ सिस्टम। अगर मैं m3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो m3 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम, m3 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, वो मासेस जिसका मैं मिला के सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, दैट बिकम द सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अर्थ और सन को लेता हूं, अर्थ और मून, अगर मैं इन दोनों का मिलके सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं, सो दीज टू बिकम द सिस्टम। एक मैं क्लोज कंटेनर, ये एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एक क्लोज कंटेनर लेता हूं, यस एक क्लोज कंटेनर लेता हूं, एक डब्बा, उसके अंदर हवा है, ठीक है,
मैं पूरी हवा को इस पूरी अगर मैं इस पूरी हवा का सिस्टम सेंटर ऑफ मास लेता हूं तो ये पूरी हवा क्या हो जाएगी, दिस होल हवा बिकम्स अ सिस्टम। बाहर की हवा इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है? दोस पार्टिकल विच आई एम इंक्लूडिंग टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। सिस्टम मींस दोस पार्टिकल विच आई एम इंक्लूडिंग टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, दैट बिकम्स अ सिस्टम। आया समझ में जयदीप? तो देखो इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स आर दोस फोर्स विच आर ड्यू टू, these are force exchanged due to, or we can say by the, yes I am going back, by the objects or particles or object in a system. सिंपल एग्जाम्पल, अब देखो ये अर्थ और मून है, ये दोनों एक फोर्स एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स एक्सचेंज होता है, विच फोर्स एक्सचेंज बिटवीन अर्थ एंड मून, कौन सा फोर्स अर्थ एंड मून के बीच में एक्सचेंज होता है, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ इंटरनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ इंटरनल फोर्स। मतलब पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बाहर का कोई रोल नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आपस में ही, राइट? तो पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, अब देखो दो चार्ज है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज they also apply one force on each other, kaun sa, electrostatic force, this is also internal force। वैसे ही एक magnet, दो magnet एक दूसरे पे force लगाते हैं, right, north and south, या फिर north opposite attract same repel, external मैंने अभी तक बताया नहीं, और मैं सिर्फ इंटरनल बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे, ये भी इंटरनल फोर्स, बिकॉज़ दे आर आल्सो बिकॉज़ ऑफ फोर्स एक्सचेंज बाय पार्टिकल्स इन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम। तो ये सब मेरे क्या है, मेरे ये फोर्सेस क्या है, ये फोर्स है मेरे इंटरनल फोर्स। अब देखो जब ऑब्जेक्ट में इंटरनल फोर्स लगता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जिस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दिस इंटरनल फोर्स इंटरनल नहीं समझा, देखो इंटरनल फोर्स वो फोर्स जो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, जो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। जैसे देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे, राइट आपको, चलो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और देखो ये एग्जांपल लेते हैं, देखो ये आ गया, ये देखो ये 2 kg और 8 kg का ऑब्जेक्ट है, राइट, इफ यू केयरफुली सी 2 kg और 8 kg के ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, इंटरनल फोर्सेस है, क्यों, बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास डिसाइड करते हैं और जब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को इंटरनल फोर्स बोलते हैं। देखो ये 2 kg और 8 kg क्या है, सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम, बिकॉज ये दोनों मिलकर सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर रहे हैं। तो जब ये दोनों मिलके सेंटर ऑफ मास डिसाइड करते हैं और ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, राइट, इन दो इस फोर्स को इंटरनल फोर्स बोलेंगे, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। आया कल्पना समझ में जयदीप? आया कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करना दोबारा, ये वाला नहीं सर, ये
सेकंड वाला सर, सेकंड वाला। दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। यस सर, एग्जांपल था क्या ये? हाँ ये एग्जांपल था इंटरनल फोर्स सर। मतलब थर्ड पॉइंट में यही होगा ना कि मतलब फोर्स अप्लाइड बाय टू बॉडीज ऑन ईच अदर इज इंटरनल फोर्स। देखो फोर्स अप्लाइड बाय टू बॉडीज, फोर्स एक्शन बाय द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर रहे हैं, वो पार्टिकल जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। आया समझ में? यस। अब मैं एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल देता हूं। देखो एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल होगा अप्लाइड फोर्स जो हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो दो मासेस है, 2 kg 3 kg, ये दोनों सिस्टम है राइट। दिस इज अ सिस्टम। सपोज यहां से जयदीप आ जाता है और इसको फोर्स लगाता है, धक्का मारता है जयदीप राइट। बताओ ये कौन सा फोर्स होगा? दिस विल बी विच फोर्स? ये सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाए ना, ये सिस्टम के अंदर से फोर्स नहीं लगाए, ये सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, वाटर फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। इस चैप्टर पे हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। वेस्कोसिटी या फिर एयर का फ्रिक्शन या तो लैंड का फ्रिक्शन, ये तीनों फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स। एयर के फ्रिक्शन को एयर रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। एयर के फ्रिक्शन को वी कॉल इट एज एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो, एयर रेजिस्टेंस। And yet the floor ka resistance hota hai usko normal friction bolte hain. These are example of external forces. Ab dekho internal forces ki khasiyat kya hai? Internal forces ki khasiyat kya hai? Jab do object ke beech internal forces lag raha hai. Yahan tak samajh mein aaya? Kitno ko aaya samajh mein internal and external forces? How many understood? Please show sir. Yes sir. Aaya Anaga, Bhakti, Gaurav, प्रत्युष, प्रज्वल, ठीक है जयदीप, कौन सी स्लाइड? ये स्लाइड ठीक है, चलो आगे। बस 5 मिनट और, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है इसके। चलो ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ इंटरनल एक्शन। अब इंटरनल फोर्स आपने समझ लिया, एक्सटर्नल फोर्स समझ लिया। अब इफेक्ट क्या होता है इंटरनल फोर्स का? पहले हम इफेक्ट पढ़ते हैं इंटरनल फोर्स का। सेंटर ऑफ मास, देखो जब इंटरनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, इंटरनल फोर्स डोंट चेंज the position of center of mass. Internal force center of mass की position change नहीं करते। मैं आपको एक example देता हूँ। Suppose ये एक mass M1 है, ये mass M2 है। Suppose इन दोनों का center of mass क्या था? इन दोनों का center of mass था किसी point X पे। ये center of mass है। अगर because of internal force क्या लगेगा? Gravitational force। Because of internal force, M1 and M2 moves towards each other. हो सकता है gravitational attraction, हो सकता है M1 M2 एक दूसरे की तरफ move होने लग गए। Sir, हाँ sir, जब
दो दो बॉडीज कोलाइड करती है तो उनमें से दोनों बॉडी कोलाइड करने के बाद पीछे हट जाती है, तो उसमें क्या इंटरनल फोर्स होता है क्या सर? उसको इंटरनल फोर्स कोलिजन इज आल्सो इंटरनल फोर्स, कोलिजन इज आल्सो इंटरनल फोर्स। सो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होती है ना उनकी, जब टकराती हैं तो थोड़ा पीछे जाती है। तो मैं वही तो बता रहा हूं। अभी देखो दो बॉडीज है m1 m2, ये एक दूसरे के पास आ रही है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देयर इज अ चांस दैट वो दोनों एक दूसरे के पास मूव करने लगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हो सकता है कि नहीं वो एक दूसरे के पास मूव करने लगे, हो सकता है कि नहीं? इज इट पॉसिबिलिटी और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एग्री करते हो कि नहीं? नहीं करते? एग्री करते हैं, चलो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। देखो क्या होगा, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे, ये सारा रिविजन क्लास हो गया, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। बिकॉज मून इज मूविंग, मून इज मूविंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, मैग्नेट्स, मैग्नेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। अब देखो ये कहां पे, सपोज ये देखो मास m1 था, ये मास m2 था, इनका सेंटर ऑफ मास सपोज x है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दे बोथ विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। m1 थोड़ा मूव किया, m2 थोड़ा मूव किया, बट पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। फिर m1 m2 मूव करेंगे, फाइनली कोलाइड कहां पे करेंगे, दे विल कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास। So this is the beauty of internal force. So internal force लगते हैं, जो internal force लगते हैं, they don't change the position of center of mass. They don't change the position of center of mass. अब देखो एक बहुत अच्छा example दिया है, एक बहुत अच्छा example दिया है। देखो, एक object है, it is moving in a projectile path. It is moving on a projectile path. अब देखो इसका center of mass is also अभी circular object है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा, सेंटर पे मूव करेगा पूरे टाइम। यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? यहां तक मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऐसे सेंटर पे मूव करेगा। सपोज एट पॉइंट दिस, सपोज दिस एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड्स, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड्स। बताओ जो एक्सप्लोजन है, इज इट ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस? Is it due to internal forces or external forces? Is explosion due to internal forces or external forces? Internal, sir. Internal forces. तो क्या होगा? जब object explode होगा, तो how it will spread? इसके छोटे-छोटे parts spread होंगे, right? एक particle हो सकता है टूट के इधर चले जाए, एक particle टूट के इधर चले जाए, एक particle टूट के इधर चले जाए, एक particle टूट के इधर चले जाए, एक पार्टिकल इधर चले जाए, एक पार्टिकल ऐसे। लेकिन सेंटर ऑफ मास, हाउ सेंटर ऑफ मास विल मूव? सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सेम पाथ, सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सेम पाथ। मतलब ये पार्टिकल एक मेरे फटे हैं, जो मेरे पार्टिकल फटे हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव होगा? उनका सेंटर ऑफ मास विल मूव एट सेम पाथ। व्हाई? बिकॉज़ इंटरनल फोर्सेस don't, I can say, change center of mass. कितनों को समझ में आया? How many understood? So center of mass will continue projectile path. Center of mass will continue projectile. How many of you understood? Yes, Herschel, क्या डाउट है आपको? आया प्रत्युष, आया आपको मंजू, आया? ठीक है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, से प्रोजेक्टाइल पाथ में, इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है यहां पर, देखो सपोज
ये t इक्वल टू जीरो पे एक्सप्लोड हुआ। देखो t इक्वल टू वन पे मेरे पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे, देखो t इक्वल टू वन पे मेरे सारे पार्टिकल्स एक्सप्लोड होकर फैलेंगे, राइट। ये सब पार्टिकल का t इक्वल टू वन है। फाइनली इन सब पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल के पाथ पे होगा। समझ ये tf है फाइनल। tf में मेरे पार्टिकल कैसे गिरेंगे? tf में मेरे पार्टिकल ऐसे गिरेंगे कि इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यही होगा। What does it mean? Center of mass change नहीं होता। Center of mass देखो सबका जब average लोगे, m1 x1 m2 x2 m2 x3 m3 x4 m4 x5 m6 x6 वैसे ही m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 m5 y5 average लोगे तो center of mass same path पे रहेगा। आया समझ में? Center of mass change नहीं होता। External force. एक्सटर्नल फोर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? और मोस्टली मैं आपका वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। हर्षल आपको समझ में आ गया ना? एक्सटर्नल फोर्स यही तो है। सेंटर ऑफ मास पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जयदीप? चले आगे, मतलब क्लास एंड करें। तो एक्सप्लेन करो ना एक बार, आपको ये एक्सप्लेन करना है एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? एग्जांपल अप्लाइड जो बाहर से एक्ट कर रहे हैं, दे आर डेफिनेशन क्या है? दे आर फोर्सेस अप्लाइड on a system from outside, जो बाहर से एक्ट कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स बाहर से लग रहा है, राइट? फ्रिक्शन भी बाहर से लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, ये सब बाहर से लग रहा है। ये सब क्या एग्जाम्पल है? ये सब किसके एग्जाम्पल है? दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो ये ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये मैग्नेटिक है, ये सब क्या है? मेरे इंटरनल, ठीक है? वीडियो एक मिनट, आई जस्ट